वेलकम टू द एस एल लाइव स्टॉक। आज हम लोग सुफियान भाई के फीडिंग सेटअप पे और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी डिटेल्स जानेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम मदीना गोट फीड और सभी ये जो है मकई टुकड़ा, मिक्स फीड, हरी पत्ती, तूर भुस्सा, ऑल ब्लॉक्स यानी कि मिनरल ब्लॉक और विटामिन ब्लॉक, हिमालयन सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, मिनरल ब्लॉक और कौन सा है सल्फर ब्लॉक यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सारे अवेलेबल होंगे धीरे धीरे इंशाल्लाह। ऑल बेल्ट यानी कि एक्सेसरीज और जव फीडर, गोट फीडर। तो आइए उनसे डिटेल जानते हैं थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम सुफियान भाई। हाँ भाई, क्या दिखा रहे हैं ये वीडियो में? मैं डबल फिल्टर है, हरी पत्ती लगाया हूँ। यहाँ पे आसपास में बहुत दूर के तरफ में जो लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था लंबे से लाने के लिए, तो अपने ने बहुत सारे डिमांड रहने की वजह से आज यहाँ पे बोकोड़ी में ओपन किया अपन डबल फिल्टर। माशाल्लाह भाई, और दिखाओ जरा क्वालिटी वगैरह क्या है। फिलहाल सिर्फ हरी पत्ती है क्या? सिर्फ हरी पत्ती है, एक दो चार दिन में तू उसे भी आ जाएगा। क्वालिटी देखो ना, मट्टी काटा वगैरह कुछ नहीं लेना। डबल फिल्टर माल, डबल फिल्टर। यस, सिंगल फिल्टर नहीं है क्या? सिंगल फिल्टर नहीं मेरे पास, मेरे डबल फिल्टर अवेलेबल है। अगर किसका रिक्वायरमेंट सिंगल फिल्टर करेंगे तो वो भी मिल जाएगा। हाँ भाई, आप ही देखो आपके पास। हाँ, पत्ती तो देख सकते हैं, एक भी काटा वगैरह डबल फिल्टर पर तो काटा वगैरह तो नहीं चाहेगा और है ठीक है वैसे तो। और नई पत्ती है ना भैया? यस यस, अच्छा माल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो अभी कितना केजी तक का स्टॉक है अभी तुम्हारे पास अवेलेबल? जिसके जैसा रहेगा, 5 टन 10 टन जो भी जाए, जितना जिसको चाहिए, 1 टन 2 टन आधा या 500 किलो जो भी मैं मन पर मिल जाएगा इंशाल्लाह भाई। अभी इधर और तुमने दूसरा रूम भी देखे मेरा स्टॉक पूरा भरा। हाँ भाई, दूसरी जगह पे भी स्टॉक है, ये आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा है भाई, इसकी वजह के इसके अलावा और भी दूसरे साइड में भी है, मगर अभी फिलहाल दिखाने के लिए अपन ने ये वाला चूज़ किया। यस, तो एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते किधर आना पड़ेगा लेने के लिए? बोपोड़ी छाजर पेट्रोल पंप के पास में आने का। बोपोड़ी छाजर पेट्रोल पंप के पास आके कॉल भी किया तो मैं बता आ सकता हूँ मैं लेने के लिए। ठीक है भाई, तुम्हारा नंबर बताओ। 9834 5652 5296 और रेट क्या बोल रहे हैं हरी पत्ती का? तुम्हारे चैनल के थ्रू 26 रुपीज़ केजी देंगे हम, और अगर किसी को ज़्यादा ले देंगे यानी 100 किलो के ऊपर या उसके ऊपर या और नीचे भी कोई लेते हैं तो 25। मिनिमम कितना केजी लेना पड़ेगा यानी कि? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जिसको 30 किलो के ऊपर लेना पड़ेगा। 30 किलो के ऊपर लेना पड़ेगा। गोनी है, गोनी अगर एक गोनी का जितना वेट भरेंगे वो हिसाब से अपन 26 इंटू करेंगे बराबर। ठीक है भाई, बताओ ऐसा नहीं है, कोई कोई ऐसे भी रहते भाई जिसके पास एक आधा बकरा है तो वो 5 किलो 10 किलो भी मांगते? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं मिलेगा। नहीं सर, वैसा नहीं हो सकता क्योंकि पैकिंग का इशू है बराबर। यस, पैक पूरा पैक आना, और कुछ कम कर देंगे उसमें अगर किसी से अच्छी अगर कोई आता है ना, यानी कि नहीं कि फोन करते हैं कुछ लोग, बहुत फोन आ रहे रास्ते, आप देख रहे सामने गाड़ी देने। हाँ भाई, आते हैं लेने के लिए लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कोई है नज़दीक का इतना कोई जरूरत है तो कम कर दूंगा मैं। चले भाई इंशाल्लाह। तो देखिए भाई, जिसको ज़रूरत हो हरी पत्ती की, ज़्यादा दूर तो नहीं है बोपोड़ी, जैसे कि आपने आसपास के बहुत से लोग भाई लोग मुझे कॉल करते कि भाई ये कहाँ मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, जो शिवाजी नगर से खड़की हड़पसर वगैरह से ऐसे नज़दीक से जो भाई आ सकते हैं वो लोग आ सकते लेने के लिए, क्योंकि हरी पत्ती जल्दी मार्केट में मिलती नहीं, बाकी सारा फीड तो मेरे को मिल जाता। ट्रांसपोर्टेशन भी कितना बचाते हैं लोगों का? ट्रांसपोर्ट, हाँ आपका ट्रांसपोर्ट बच सकता है, और ऊपर से चार्जेस मतलब अलग से लाना ले जाना वो बच जाएगा ना, वो बच जाएगा। तो देख सकते हैं भाई, फ्रेश स्टॉक है सुफियान भाई के पास, और जैसे जैसे नया नया स्टॉक आते जाएंगे वैसे वैसे रेट बदलते जाएंगे, ये पहले बता देते हैं। अभी 26 है, आने वाले दिनों में 24 भी हो सकता है और 28 भी हो सकता, तो एक ही रेट को पकड़ के मत चलो भाई। और अभी माल डबल फिल्टर जैसे माल अभी इधर तो नहीं है तेरा अपने यानी नज़दीक में तो नहीं है, नज़दीक में नहीं है। और पत्ती किधर की है भैया? नागौर की। नागौर की? यस, डायरेक्ट नागौर से मांगे तुमने? माशाल्लाह भाई, ठीक है। प्राइस भी अपना कम है, प्राइस भी कम है, तो वो हिसाब से सुफियान भाई से कांटेक्ट करो भाई, और सारी डिटेल तो दे दिए, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के नीचे लोकेशन डाल दूंगा, यानी कि जो लोकेशन होगी ना तो उसको फॉलो करके तुम आ सकते, यानी कि तुम्हारा डिस्टेंस है तुम डायरेक्टली लोकेशन फॉलो करें तो तुमको पता चल जाए कितना किलोमीटर है। ठीक है ना, चलो भाई, अस्सलाम वालेकुम।